You are welcome in my YouTube channel Study Zone by JD sir. Today we are discussed about the next chapter of the physics, magnetic effect of the electric current. Earlier we are discussed about the electrostatics. In case of the electrostatics, we are considering the 1 to 6 chapters when our charge is to be in a static manner. It means अभी तक अपन ने चार्ज को रेस्ट में कंसिडर किया था. At that particular case, we are already to be considered when our charge is to be in moving condition. जब आपका चार्ज मूव करता था, it is to be produce the magnetic field with the electric field. In last 6 chapters, we are discussed about the electric field, electric force, electric potential and the electric circuits. Here we are just to be considering ki when our charge is to be moving with a particular velocity, it means it is also produce the magnetic field. That's why here we are considering the magnetic effect of the electric current. इसका मतलब जब कहीं भी आपके पास किसी भी करंट कैरिंग वायर में कोई करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, उसी की अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, इट मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगी, उसकी वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. इट इज टू बी कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट ऑरस्टेड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था. एज पर द ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट उसने कंसिडर किया कि आपके पास किसी भी सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है, एक आपके पास स्विच कनेक्टेड है. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग ए कंडक्टिंग वायर ए बी. आपने कोई भी एक कंडक्टिंग वायर ए बी कंसीडर किया और इस कंडक्टिंग वायर के रेस्पेक्ट में इसके नियर अबाउट एक कंपास को आपने प्लेस्ड किया. जब ये स्विच आपके पास, ये जो एस स्विच है, इट इज टू बी द ओपन स्विच. इसका मतलब ये बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है. दिस पाथ इज नॉट टू बी कंप्लीटेड हियर. यहां पर पाथ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा. एट दैट पर्टिकुलर केस देर इज नॉट डिफ्लेक्शन इन टू द नीडल्स ऑफ द कंपास. यहां पर यदि इसमें कोई करंट नहीं है तो आपके पास कंपास की नीडल्स में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है. इन नेक्स्ट केस, जब अपन ने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया इस वायर ए बी में, जैसे आपने स्विच को, एस स्विच को आपने क्लोज स्विच कर दिया, देन दिस सर्किट इज टू बी कंप्लीटेड एंड द करंट इज टू बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट फ्लो हुई इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर. देन ड्यू टू द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर, द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट, देर इज अ डिफ्लेक्शन इन टू द नीडल्स ऑफ द कंपास. यहां पर आपने जो कंपास लिया उनकी नीडल्स में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है. यहां पर डिफ्लेक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अपन आगे बात करेंगे. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि देर इज अ डिफ्लेक्शन ड्यू टू द करंट इन टू दैट पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. नेक्स्ट, इन दिस केस वी आर जस्ट टू बी चेंजिंग द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी. इसका मतलब आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, और यदि आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टू बी चेंज. अब आपने इस पूरे के पूरे सर्किटरी में क्या देखा, वेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टू बी चेंज, देन द डिफ्लेक्शन इन टू दैट पर्टिकुलर कंपास नीडल, इट इज ऑल्सो टू बी अपोजिट टू द प्रायर डिफ्लेक्शन. इसका मतलब पहले जो डिफ्लेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट में आपके पास डिफ्लेक्शन आएगा, जैसे आपने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट की. देन हियर द कंक्लूजन इज, यहां से आपके पास कंक्लूजन क्या निकला. अब अपन ने यहां पे फर्स्ट वी विल जस्ट टू बी मेकिंग आउट ए कंक्लूजन विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नेक्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. इसका मतलब आप यहां से बैटरी की कैपेसिटी को चेंज करेंगे तो द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज, इट इज टू बी चेंज, और जैसे ये चेंज होगी तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. इट मीन्स द करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन टू द नीडल्स ऑफ द कंपास. जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होंगे किसमें, कंपास के नीडल्स में. तो इट इज द बेसिक एक्सपेरिमेंट डन बाई द ऑरस्टेड. नेक्स्ट, अब अपन देखें कि इफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन चेंज इन इज इन मोशन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट सराउंडिंग स्पेस. जैसे आपके पास किसी भी करंट कैरिंग वायर्स में कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स फ्लो करते हैं, चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा,
उसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. दिस इफेक्ट इज टू बी कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब करंट की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होना, इट इज टू बी कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट. बिकॉज प्रायर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि द करंट इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो किसको शो कर रहा है, इट इज टू बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को. एग्जैक्टली कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. इट मीन्स करंट ग्रेटर तो डिफ्लेक्शन ग्रेटर, डिफ्लेक्शन ग्रेटर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग ऑफ इट इज ऑल्सो टू बी ग्रेटर. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिलेट टू द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट विद डिस्टेंस. इंक्रीज जैसे डिस्टेंस को करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगेन क्या होगी, इट इज टू बी द डिक्रीज. कि जैसे जैसे अपन डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी आपके पास रिलेटिव पोजिशन है किसकी, कंपास की और आपके पास कंडक्टिंग वायर्स की, यदि आप उनको कहीं पे चेंज करते हैं, वो डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपके पास चेंज हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबव एंड बिलो वायर इज टू बी अपोजिट टू द ईच अदर. यदि अपन वायर के दोनों डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की बात करें तो इट इज टू बी अपोजिट टू ईच अदर. इसका मतलब एक तरफ जो डायरेक्शंस होगी, मतलब आपने कंपास को एक साइड में रखा, यदि आप उसी कंपास को उस वायर के दूसरे साइड में रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे. इट इज टू बी द कंक्लूजन ऑफ द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरस्टेड ने जो प्रयोग किया उसके आपके पास निष्कर्ष ये थे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल्स, जो भी आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है यदि वो मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. देन ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, दिस फोर्स इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. इसका मतलब जो पार्टिकल आपके पास मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से, उस पर जितना वो ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा. देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उसमें करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग वायर. देन एफ इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी साइन थीटा. वी साइन थीटा क्यों काम में लिया है, हियर वी आर कंसिडरिंग द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इट. कि यहां पे आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है वो एक वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पे फोर्स किधर लगेगा आपके पास, अपोजिट इधर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपके पास थीटा एंगल बना रहा है. इट मीन्स वी क्या होगा, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इट इज टू बी द थीटा के साथ वाला वी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, एंड द परपेंडिकुलर इट इज टू बी द वी साइन थीटा, ये कौन सा होगा आपके पास, ऊर्ध्वाधर घटक होगा. तो यहां पर अपने पास देखिए एफ के रेस्पेक्ट में कौन सा आएगा, वी साइन थीटा, दैट्स वाई दिस एफ इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा. क्लियर. नाउ अपन ने तीनों को कंबाइंड किया, वी आर गेटिंग आउट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. हियर क्यू इज टू बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी, साइन थीटा इट इज टू बी द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर. इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेट किया मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट के एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा. हियर वी बी साइन थीटा इसको वेक्टर फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लीकेशंस. यदि वेक्टर्स में कहीं कोई डाउट है तो वेक्टर्स के वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वहां से जाके देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एफ इक्वल टू यहां से क्या फॉर्मुलेशन मिला, के की वैल्यू को अपन ने यहां पर अज्यूम किया k इक्वल टू 1, हियर द कांस्टेंट इज टू बी टेकन आउट 1. देन क्या फॉर्मुलेशन बन गई, q v b sin थीटा इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द v क्रॉस b. अब ये यदि v क्रॉस b है तो अपन ने देखा था इनका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, दैट्स व्हाई f इज टू बी परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. f जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फोर्स उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर की फॉर्मुलेशन में होगा.
Next, we are just to be considering the few cases related to it. First case, if theta equal to 0, our formulation equal to F equal to Q into V cross B, VB sin theta sin 0, कितना होगा आपके पास 0, that's why F equal to 0. It means the particle is to be moving into the direction of the magnetic field. यदि particle किसी भी velocity से magnetic field की दिशा में direction में गति कर रहा है तो उस पर force कितना होगा, it is to be the 0. The magnetic force is to be 0. और उसका path कैसा होगा, this path of this particular charge particle is to be straight line. उस case में उसका path कैसा होगा, straight line होगा. Clear? Next, in second case, if theta equal to 90 degree, यदि theta 90 degree, it means it is to be the perpendicular, और perpendicular होगा sin 90 equal to 1, then formulation क्या बन जाएगी, QVB, it is to be the maximum value of the force, this force is to be the magnetic force. तो magnetic force maximum कब होगा, जब आपका charged particle magnetic field के perpendicular कहीं move करेगा, और इसका path कैसे बनेगा, जब भी ये perpendicular move करेगा, the motion on its the circular path, ये किस पे करेगा, एक circular path पे move करेगा. यदि circular path पे move करेगा तो formulations कैसी होगी, it is to be the directions of the velocity, और always क्या होगी, tangential होगी. F force क्या लगेगा, it is to be the centrifugal force always towards the center of the circle. तो आपके पास formulations कितनी बन जाएगी, force की value maximum होगी, और path of the particle कैसा होगा, आपके पास circular path पे move करेगा. Next we will consider the another third case. When our theta is greater than 90 but less than, sorry, it is to be greater than 0 but less than 90. इसका मतलब कहीं भी 0 और 90 के बीच के किसी एंगल पर यदि आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कहीं मूव करता है तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी. बिकॉज अपन को पता है 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म्स में होती है, दैट्स वाई एफ का रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जो भी होगा इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो जब भी Q इस तरीके से मूव करेगा आपके पास, तो द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन कैसा होगा, इट इज टू बी द हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ कैसा होगा, इट मीन्स इट इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेट पाथ एंड द सर्क्यूलर पाथ. इसका मतलब वो स्ट्रेट भी चलेगा और सर्क्यूलर भी चलेगा. जैसे अपन किसी भी क्रिकेट बॉल को एक जगह पे रोटेट भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं और उसको आगे की तरफ थ्रो भी करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का हेलिकल पाथ आपके पास बन रहा है. इन दिस हेलिकल पाथ आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेंगी, कि जो भी आपके पास वेलोसिटी इस तरीके से हो रही है, ये तो स्ट्रेट लाइन को बता रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर तो यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आपके पास, देन इस जो पर्टिकुलर हेलिक्स है उसकी रेडियस कितनी होगी आर. इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू हेलिक्स जो डिस्टेंस होगी, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द पिच ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन. तो इसकी पिच आपके पास कितनी होगी, दोनों जो आपके पास हेलिक्स बने उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी. Then here we are just to be considering the magnetic force and the special cases of the magnetic force. Be remember, ध्यान क्या रखना है कि when particle is to be moving into the direction of the magnetic field, path is straight line. When particle is to be moving into the perpendicular, then path is circular. If particle is to be moving in between 0 to 90, then path is to be the combination of both of the paths in terms of the helical path. Next we are considering the motion of the charge perpendicular to the magnetic field. Here we are considering the second case, कि जब भी आपके पास कोई भी charge particle perpendicular move कर रहा है किसी भी magnetic field में, तो formulations आपके पास किस तरीके की बनेंगी. देखिए force की value क्या होगी, theta equal to 90 पे force कितना होगा, F equal to QVB, तो force की value कितनी होगी, F equal to QVB, it is to be the maximum force. पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा. हियर ये आपने कौन सा कंसीडर किया, इट इज टू बी द मैग्नेटिक फील्ड. दो ही डायरेक्शंस होती हैं, एक तो इनरवर्ड होगी, एक आपके पास आउटरवर्ड होगी, मतलब इस सरफेस को यदि अपन इसको सरफेस कंसीडर करें तो एक तो सरफेस के अंदर की तरफ, दूसरी इससे बाहर की तरफ. क्लियर, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्रॉस और डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट वी विल जस्ट टू बी कैलकुलेट द रेडियस. ये सारी की सारी फॉर्मुलेशन सर्कुलर पाथ की, जब अपन ने 11th क्लास में सर्कुलर पाथ पढ़ा था, द सर्कुलर मोशन पढ़ा था, उस टाइम पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेम फॉर्मुलेशन आपके पास जब अपन आगे एटम और न्यूक्लियाई पढ़ेंगे वहां पर भी रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो यही फॉर्मुलेशन अपन यूज करेंगे. रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. यहां पर जो आपके पास अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज टू बी इक्वेटेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कितना है,
क्यू वी भी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इट मीन्स आपने एम वी स्क्वायर अपॉन आर को क्यू वी बी के इक्वेट किया, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, यहां से आर की वैल्यू क्या मिली, आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू और बी से डिवाइड कर दिया, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब m into v को formulations में आप क्या लिख सकते हो, mass into velocity in terms of the momentum p, p upon q into b. It is to be the basic formulation in terms of the mass and velocity. Second formulation it is to be in terms of the momentum. Next the relation between the momentum and the kinetic energy. Because kinetic energy क्या होती है आपके पास, kinetic energy को अपन किससे लिखते हैं, it is to be half mv square. यदि आप इसको m से multiply कर दें, m से divide कर दें, then formulation क्या बन जाएगी, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल आएगा, वन बाई टू इंटू एम इंटू वी, पी की फॉर्म में आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो अपन ने यही पी का फॉर्मुलेशन कितना लिखा, अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस जब आपको मास और वेलोसिटी दे रखी हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, यदि आपको मोमेंटम दे रखा है तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यदि आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अपन टाइम पीरियड पे चलते हैं, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि पार्टिकल आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो एक पाथ कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उस वर्ताकार पथ की परिधि के बराबर करेगा। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी v, देन द टाइम पीरियड का फॉर्मुलेशन क्या बन गया, 2 पाई इंटू आर अपॉन वी। अब अपन यहां पे r की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, mv अपॉन qb, तो क्या फॉर्मुलेशन मिल गया, 2 पाई mv अपॉन v इंटू qb, v से v कैंसिल आउट हो गया, फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट क्या मिल गया, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। तो यहां से यदि आप कंपेयर करें तो टाइम जो पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज टू बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज टू बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम अपॉन क्यू। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग एम अपॉन क्यू, कि एम के ये आपके पास क्या होता है, इट इज टू बी द स्पेसिफिक चार्ज। इट मीन्स मास पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज के लिए कितना मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मास और उससे रिलेट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग ए पर्टिकुलर फिक्स मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। अब आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हियर फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, अपन को पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, दे आर टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आपने टाइम पीरियड ऑलरेडी कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ द 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, देन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी, फॉर्मुलेट क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। नेक्स्ट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना होता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की कितना था, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, क्यू बी अपॉन एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इट इज टू बी क्यू बी अपॉन एम। नेक्स्ट द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए अपन जो फर्स्ट अपन ने बेसिक फॉर्मुलेशन पढ़ा था जब अपन ने रेडियस कैलकुलेट की थी, वहीं से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मुलेट होके कितना आएगा आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल आउट किया, एक वी रिक्वायर्ड है, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मुलेशन आपके पास क्या मिल गई, वी इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम बी। ये आप कह सकते हो आर के फॉर्मुले से अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट द एनर्जी, एनर्जी कौन सी होगी, इट इज टू बी द काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम एज इट इज वी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की, पुट अप करेंगे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मुलेट क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम वी स्क्वायर। तो इट इज टू बी द स्पेशल केस व्हेन आवर पार्टिकल इज टू बी मूविंग इनटू द परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द अनदर फॉर्मुलेशंस, वो फॉर्मुलेशंस किस टर्म्स में है, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स व्हेन थीटा इज टू बी इन बिटवीन 0 to 90। पहले अपन ने जो पिछला केस देखा था, इन लास्ट केस वी आर कंसिडरिंग थीटा इक्वल टू 90। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द फॉर्मुलेशंस की एंगल कितना इन बिटवीन 0 to 90। तो पाथ कैसा होगा, इट इज टू बी द हेलिकल पाथ, तो अपन ने वही फॉर्मुलेशंस, ये इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा,
क्लियर। ये आपके पास वी वाई होगा, इट इज टू बी द वी एक्स, एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट। तो ध्यान रखने लायक बात ये है कि कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा। तो अपने ध्यान रखो, जब अपन प्रोजेक्टाइल पाथ भी पढ़ते थे तो वहां भी कुछ इसी तरीके का मोशन होता था। यहां पर प्रोजेक्टाइल और आपके पास कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेक्टाइल में कौन सा कंपाउंड काम पे लेते थे, कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजेंटल तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता था। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट। तो vx कितना आया, v cos थीटा, vy कितना आया, v sin थीटा। हेलिकल पाथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, vy इक्वल टू v sin थीटा रेस्पॉन्सिबल होगा। अगेन वी आर जस्ट टू बी डिराइविंग द ऑल द फॉर्मुलेशन जो अपन ने परपेंडिकुलर के लिए डिराइव की थी। फर्स्ट केस रेडियस, रेडियस के लिए अगेन वी आर जस्ट टू बी इक्वेटेड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अब यहां पे चेंज क्या आएगा, इन लास्ट केस वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द एंटायर वेलोसिटी, हियर वी आर कंसीडरिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, इट इज टू बी द वर्टिकल कंपोनेंट। दैट्स वाई पीछे वाले फॉर्मुलेशन में जहां जहां वी था वहां पे क्या पुट अप कर देंगे, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। तो अपन ने यहां पे क्या पुट अप कर दिया, एम वी स्क्वायर की जगह एम वी वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी वाई बी। अगेन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन वही रहेगा, वी वाई से वी वाई कैंसिल आउट हो गए, एम इंटू वी वाई अपॉन क्यू बी। वी वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। मतलब कहने का मतलब पीछे वाले फॉर्मूले को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर अपन को इतना ध्यान रखना है कि जब आपके पास 90 डिग्री पे होगा तब तो आपको एंगल का कोई मीनिंग नहीं लेना, क्योंकि साइन 91 होता है। फॉर्मुलेशन आपको ये याद रखनी है, 90 डिग्री पे थीटा की वैल्यू 90 रखते चलना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम पीरियड की। अगेन टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, डिवाइड बाय द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई। तो फॉर्मुलेशन 2 पाई, आर की वैल्यू पुट अप की एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा। वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ध्यान देना टी के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है, मतलब चेंज उसी में आएगा जिसमें वी वाई का इंपैक्ट था। यहां पर अपन यदि पीछे वाले टी के फॉर्मूले की बात करें तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, वी का कोई रिलेशन ही नहीं था, इट मीन्स इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। नेक्स्ट यदि वी में कोई टी में कोई चेंज नहीं आया तो फ्रीक्वेंसी एफ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हियर द फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, उसका समय का आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको अपन ने लिख दिया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहां भी वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ओमेगा इक्वल टू अगेन वही डेस टू बी, क्या फॉर्मुलेशन बनेगी ओमेगा की, 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। तो आपने देखा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में चाहे वो किसी भी एंगल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर आपको कहीं इस तरीके के वन मार्क्स क्वेश्चन में, स्पेशली सीबीएसई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का कंपोनेंट कौन सा होगा, वी वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट अप कर दी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर। देन आर की वैल्यू आपके पास साइन थीटा के टर्म्स में, वी साइन थीटा को अपन ने यहां पे पुट अप किया। देखिए यहां पे वी वाई को तो अपन प्लेस करेंगे, बट एग्जैक्टली फॉर्मुलेशन क्या होंगी, जो आपने आर की वैल्यू पुट अप की है किस फॉर्मुलेशन में, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो अपने पास फॉर्मुलेशन आर की तो अपन ने वही लिया, लेकिन जब वापस पुट अप करेंगे और यहां पे अपन वी वाई को वी साइन थीटा के टर्म्स में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फॉर्मुलेशन क्या बचेगी, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। मतलब यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ किसमें फर्क पड़ेगा, रेडियस में फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग, जब अपन ने डिस्कस किया था हेलिकल पाथ को, तब अपन ने डिस्कस किया था पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। पिच क्या होगी, इट इज टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है पार्टिकल ने, वो क्या होगी, उसकी पिच के इक्वल होगी। तो यदि आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, टाइम इंटू वेलोसिटी और वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पर टाइम पीरियड अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट, बट इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि जो पार्टिकल मूव करेगा वो किसके रेस्पॉन्स में मूव करेगा, आपके पास डायरेक्शन एक्स एक्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट्स वाई हियर वी आर कंसीडरिंग द वी एक्स। तो फॉर्मुलेट होके क्या फॉर्मुलेशन बन गया, टी की वैल्यू अपन ने रखी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वी की वैल्यू वी कॉस थीटा। ध्यान देना अभी तक वी साइन थीटा रख रहे थे, वी कॉस थीटा, क्या फॉर्मुलेशन बन गया, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। इसको अपन ने आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया,
क्योंकि अपन क्या करना चाहते थे, इसको टेन थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहते थे। तो यदि आप वी साइन थीटा वी कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। तो यहां पे अपन ने इसको टेन थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट कर दिया, और ये जो इसको अपन ने आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, आर की वैल्यू पुटअप की तो उसमें साइन थीटा आ गया, तो साइन और कोस किस टर्म्स में बन गया, टेन के टर्म्स में। तो यहां से आपके पास डिस्टेंस अक्स कितना हो गया, पिच की वैल्यू टू पाई आर अपॉन टेन थीटा। तो इट इज टू बी द बेसिक कंसिडरेशन कि अपन ने ऑरस्टेड का नियम पढ़ा, फिर जब आपके पास कोई भी पार्टिकल मूव करेगा अंडर द मैग्नेटिक फोर्स तो उसका पाथ कैसा होगा एज पर द एंगल्स, उसकी रेडियस कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, ये सारे रेस्पेक्ट्स अपन ने देखे। नेक्स्ट वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि अब आपको फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, कि अपन यहां पर बात मैग्नेटिक फोर्स की कर रहे हैं। अर्लियर वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग द हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। हियर वी आर हैविंग द टू बेसिक लॉज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फर्स्ट वन इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होगा, जब भी अपन अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन में करेंगे कि आपके पास थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और मिडल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास से करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इट मीन जब अपन इस तरीके की किसी फॉर्मुलेशन में करेंगे तो ये जो थंब है ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, ये जो आपके पास है ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और इट इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट द राइट हैंड पाम रूल, इसका मतलब जब आप राइट हैंड पाम की बात करेंगे तो राइट हैंड में जो थंब होगा वो तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपकी फिंगर्स होंगी दे आर टू बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और आपकी पाम के वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी इट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि यदि अपन पाम के राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज फिंगर्स आर टू बी रिप्रेजेंटिंग किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन होगी इट इज टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।